नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है कंप्यूटर बेसिक ज्ञान के अंदर। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू हाइड बुकमार्क्स बार इन क्रोम। गूगल क्रोम में बुकमार्क बार को हम कैसे ऐड करें इस वीडियो में आज हम जानेंगे। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि जब भी हम कोई बुकमार्क बनाते हैं तो अगर उसका लोकेशन हमने बुकमार्क बार में रखा है तो वो यहाँ पर हमारी बुकमार्क बार में शो हो जाते हैं। तो अगर इस बुकमार्क बार को अगर हमें हाइड करना है तो सबसे पहला तरीका आपको इस बुकमार्क बार पे राइट क्लिक करना है और जैसे ये ऑप्शन दिख रहा है शो बुकमार्क बार, इसको आपको अनचेक कर देना तो वो यहाँ से हाइड हो जाएगी। बट अगर आप नए टैब में जाएंगे तो बुकमार्क बार आपको वापस दिख रहा है। तो दूसरा तरीका क्या है, आपको यहाँ से जाके और इसमें आप यहाँ जाएंगे सेटिंग में, आपको तीन डॉट पे क्लिक करना है, सेटिंग्स पे जाना है और सेटिंग्स पे जाके आप यहाँ पर अपीयरेंस में जाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि शो बुकमार्क बार का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो इसको जैसे आप कर देंगे तो ये चेक दिख जाएगा और इसको अनचेक कर देंगे तो हाइड हो जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका, तीसरा तरीका क्या है, इसका एक शॉर्टकट किया जाता है कंट्रोल शिफ्ट और बी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी, जैसे आप प्रेस करेंगे आपका बुकमार्क बार शो हो जाएगा और अगर कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी वापस प्रेस करेंगे तो हाइड हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने इसको अभी हाइड कर रखा है बट जैसे मैं नया टैब ओपन करूंगा ये मुझे वापस दिखने लग जाएगा। अगर इसको परमानेंट हाइड करना है तो आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे जाना है और इसमें बुकमार्क पे जाना है, बुकमार्क मैनेजर पे जाना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि बुकमार्क बार के अंदर ये वाले बुकमार्क बने हुए हैं, तो अगर आपको इनको करना क्या है दोस्तों, इनको या तो एक एक करके सबको कंट्रोल के साथ सेलेक्ट कर लेंगे या कंट्रोल ए कर लेंगे, सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। अब इनको आप माउस से अदर बुकमार्क में ड्रैग कर दीजिए, अदर बुकमार्क में ड्रैग कर दीजिए तो सारे क्या होगा कि आपके बुकमार्क बार में कुछ भी नहीं रहेगा और अदर बुकमार्क वाले टैब में चला जाएगा वो। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ से परमानेंटली वो आपके बुकमार्क्स रिमूव हो गए हैं। तो ये अगर आपको सिंपली हाइड करना है तो मैंने जो तीन तरीके बताए हैं शुरुआत वाले उनसे इम्प्लीमेंट कर लीजिए, और परमानेंटली उसको आपको हटाना है तो आप बुकमार्क मैनेजर में जाके बुकमार्क बार में से जितने भी बुकमार्क्स हैं उनको अदर बुकमार्क्स वाले फोल्डर में मूव कर दीजिए ताकि वो आपको वहां से रिमूव हो जाएंगे। अब देखिए आप नया टैब करेंगे तब भी आपको बुकमार्क वहां शो नहीं हो रहा है। तो इस वीडियो में दोस्तों आज हमने जाना कि कैसे बुकमार्क बार को हम रिमूव हाइड कर सकते हैं। आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।